नोट्स वो क्या होता है, बनाना जरूरी है क्या? यकीन से पढ़ता हूँ मैं, बनाना बनाऊँ कैसे एंड बना के भी क्या होगा, उसका कोई बेनिफिट है क्या? तो गाइस, बहुत सारे लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स के बारे में। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे मतलब जिनको शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं आता, एंड उनमें से मैं भी एक था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो सब कुछ आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, एंड अगर आपका सेम प्रॉब्लम है शॉर्ट नोट को लेके तो आपके लिए ये वीडियो है। तो गाइस चलो ज़्यादा देर ना करके वीडियो में आगे जाकर बात करते हैं, एंड वीडियो को एंड तक देखना, अगर हेल्पफुल हो तो लाइक भी कर देना। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। ये तो था, आई एम इंडी टेस्ट फ्रेंड फ्रॉम वेस्ट बंगल, एंड आप लोगों का दोस्त हूँ, समझ ही सकते हो, एंड मैं एक दिन से पढ़ता हूँ। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स बनाएं तो बनाएं कैसे एंड बनाना ज़रूरी है क्या? तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, बनाना ज़रूरी है क्या? तो इसका आंसर है हाँ, ऑफ कोर्स गाइस, सब लोगों का शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो मतलब यहाँ पर यकीन से टेस्ट दे रहा हूँ, हर टेस्ट में एंड में आके मैं सिलेबस रिविज़न कर नहीं पाता, तो मेरा पहले पहले तो प्रॉब्लम आता था, लेकिन मैंने सोचा कि क्या करो क्या करो, देन बहुत सोचने के बाद मैं पहले शॉर्ट नोट्स बनाता ही नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया मेरा शॉर्ट नोट्स बनाने का। जो इससे पहले जितना कुछ टेस्ट हुआ सारे सब कुछ का मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया। ये देखो 2-3 पेज में एकदम कंप्लीट फुल चैप्टर अच्छी तरीके से एकदम मतलब कंप्लीट कर दिया। तो देन उसके बाद इसको बनाने से पहले जो मेरा हाल था कि मैं कुछ नहीं कर पाता था, मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाता था, टेस्ट देने में डर लग रहा था, क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आता। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद मैं अभी शॉर्ट नोट्स रिविज़न कर लेता हूँ, एंड एकदम फुल शॉर्ट नोट मेरे माइंड में छप गया है, एंड सारे मतलब रट्टा मार लिया है, रट्टा नहीं मतलब समझने के बाद। तो अभी टेस्ट से पहले सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिविज़न करना होगा, फुल NCERT बेस्ड, हर एक लाइन का हर एक टॉपिक मैंने ले लिया है वहाँ पर, तो मुझे बहुत हेल्पफुल हो रहा है, एंड टेस्ट से पहले मेरा सिलेबस मतलब कंप्लीट हो जा रहा है मतलब रिवाइज करके। तो ऐसा मैं हर एक चैप्टर का बना रहा हूँ अभी, एंड मेरे लिए बना रहा हूँ, आप लोगों को खुद के लिए खुद ही बनाना पड़ेगा, मैं नहीं दूंगा तो कोई बात नहीं, ये मजाक था। तो चलो गाइस, ये एक क्वेश्चन है जो मेन क्वेश्चन था आप लोगों का, क्या शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है? तो ऑफकोर्स जरूरी है एंड बनाना ही पड़ेगा। गाइस सेकंड क्वेश्चन यह है कि शॉर्ट नोट्स बनाएं तो बनाएं कैसे, एंड मैं यकीन से पढ़ता हूँ, तो यकीन समझ सकते हो, वहाँ पर बेस्ट फैकल्टीज है PW का, तो बेस्ट फैकल्टी अच्छी तरीके से पढ़ा रहा है, नोट्स भी कर रहा हूँ, NCERT भी पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो अभी कैसे बनाऊँ एंड बनाना मस्ट है क्या मतलब? तो जो है कि बायो में अगर बात करो बॉटनी का मतलब तरुण सर तो हर एक चैप्टर का दे रहा है शॉर्ट नोट्स खुद राइट करके। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बोटने के लिए, लेकिन एक और बात बताऊंगा एंड में, थोड़ा पहले आप लोगों को बता दूं, देन उसके बाद थोड़ा मेरा जो मैं अभी करूंगा वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो पहले बोटने का तो सर दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, सर का जो दे रहा है शॉर्ट नोट्स, उस शॉर्ट नोट्स को ले लेता हूँ, एंड NCERT का जो पैरा दिया है उस पैरा को अच्छी तरीके से पढ़ लेता हूँ, देन उसको पढ़ने के बाद कॉम्बिनेशन से पैरा का हर एक पॉइंट अच्छी तरीके से लिख लेता हूँ, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जो पढ़ने के बाद मेरा फुल पैरा एकदम अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा, मैं उसको लिख लेता हूँ। तो गाइस ये था मेरा बॉटनी का मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने का टेक्निक। एंड जियोलॉजी का क्या करता हूँ, जियोलॉजी का हर एक लाइन पढ़ता हूँ, एंड तुम्हें तो पता ही है जियोलॉजी मनीष दुबे सर हर एक सब डायग्राम फुल डायग्राम में मतलब दे देता है, तो उससे मैं ले लेता हूँ, एंड NCERT का लाइन जो लाइन है उस लाइन का मेन पॉइंट ले लेता हूँ एंड छाप देता हूँ, तो अच्छी तरीके से हो जाता है। लेकिन सिर्फ छापता नहीं हूँ, पहले मैं पढ़ लेता हूँ, देन उसके बाद मैं खुद माइंड में सोचता हूँ, देन उसके बाद खुद से लिखने का ट्राई करता हूँ, अगर हो जाता है तो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम लिख पा रहे हो, तुम्हें याद है, तो यह एक बेनिफिट है, अगर याद करने के बाद खुद लिखो तो मतलब क्या बताओ, समझ ही सकते हो, बहुत अच्छा ही होगा आपके लिए। सो गाइस ये तो एकदम करना ज़रूरी है, मतलब बहुत ही ज़रूरी है। अब गाइस बात करता हूँ फिजिक्स के बारे में, 1.2.0 से हो, तो आपको पता है MR सर क्या देता है, सरमी लेक्चर, नहीं सॉरी समरी लेक्चर। तो समरी लेक्चर में क्या होता है, समरी लेक्चर में
आप लोगों को तो पता है मुझसे ज़्यादा। समरी लेक्चर में फुल चैप्टर का जितना कुछ मतलब रूल से न्यूमेरिकल्स करने में जितना एम आर स्टार लगता है, सारे एम आर स्टार नहीं लेकिन जितना कुछ लगता है सारे कुछ समरी लेक्चर में मतलब बता देता है। फुल से स्टार्टिंग से एंड तक जितना कुछ थ्योरी हुआ है सबका एक बार और रिवाइज करवा देता है। तो उस शॉर्ट उस लेक्चर का जो पीडीएफ है ना, उस पीडीएफ में इतना अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा हुआ रहता है। अगर उसको आप कॉपी करके बैठा दोगे अपना नोट्स मतलब एक पेज पे, तो वही आपका शॉर्ट नोट्स हो जाएगा उस चैप्टर का। लेकिन मैं बोलूँगा उसको तो करो करो, एंड उसके साथ साथ आप एम आर स्टार जितना कुछ लिखाता है सब कुछ एम आर स्टार छोटे छोटे पॉइंट में मतलब देख के ही समझ जाना है किस न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, ऐसे करके करके लिख लो। मैं भी बनाया हूँ, ऐसे ही कर रहा हूँ, बहुत अच्छा हो रहा है। एंड कल ही वेक्टर का समरी लेक्चर दिया था मैंने देखा, तो मैं जो शॉर्ट नोट्स बनाया था एकदम मतलब थोड़ा इधर उधर होंगे लेकिन बहुत अच्छी तरीके से सर के साथ मैच कर गया। एंड सर के साथ मैच करेंगे ही ना, कि क्यों नहीं करेंगे बोलो, क्योंकि आप देखो सर पूरा थ्योरी करवा रहा है एंड मैं भी वही लिख रहा हूँ, तो थोड़ा इधर उधर होंगे लेकिन मैच तो करा एंड मैच क्या वही सही है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा जिन लोगों को फिजिक्स का मतलब शॉर्ट नोट नहीं बना पाते हो, समरी लेक्चर देखो एंड सारे को छाप दो, एंड जितना कुछ खुद से एम आर स्टार टाइप एंड जितना कुछ एक्स्ट्रा लगे सब कुछ लिख लो, देन वही आपका शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। वही आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार रिवाइज करना है एंड उसको पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल्स लगाना है, बस सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स का। गाइस हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में तो सर्वेसर से पढ़ता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री एकदम ओपी मतलब क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं केमिस्ट्री में बहुत वीक था, देन इसकी वजह से मैं कहीं और भी एडमिशन लिया था लेकिन आ गया छोड़ के, चलो रहने दो, केमिस्ट्री के वजह से ही आया था। तो मैं जो बताऊंगा केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स क्या करूं, शॉर्ट नोट ज़रूरी है क्या? सीएचडी नहीं रिवाइज करते, सीएचडी नहीं करते, सीएचडी का अलग से नोटबुक बना लो। मैंने क्या किया आप लोगों को दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुक जाऊँ, यहाँ पर है या नहीं, एक सेकेंड। ये मेरे पास एक तो नोटबुक है जिसमें मैं हर सीएचडी लिख लेता हूँ, देख पा रहे हो सर, एक वन बाय वन जितना कुछ सीएचडी है मेरे पास, ए सॉलिड स्टेट में आ गया, जितना सॉलिड स्टेट का सीएचडी है मैं सब कुछ यहाँ पर वन बाय वन लिख लिया, केमिकल काइनेटिक्स का लिख लिया, ये देखो। एंड इसको बार बार रिवाइज करो, यही आपका शॉर्ट नोट्स है। अगर ये कंप्लीट कर लेते हो तो आपका एक्स्ट्रा कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको रिवाइज़ करो, इसको मतलब माइंड के अंदर छाप लो, यही आपका शॉर्ट नोट्स है मुझे जो लगता है। क्योंकि अगर तुम सीएचडी कर रहे हो फिर से आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के फिर शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, क्या फ़ायदा, उसमें ही लिख लो ना। सीएचडी एक अलग नोटबुक बना लो एंड उसमें ही लिख लो अच्छी तरीके से, एंड जितना कुछ आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा कि ये थोड़ा लिखना ज़रूरी है तो लिख लो, सीएचडी में लिख लो, सीएचडी बार बार रिवाइज करो, आपका केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से बिल्ड होना चाहिए सिर्फ। एंड सीएचडी पढ़ते रहो, न्यूमेरिकल्स करते रहो, सर जो जो करा रहा है सब कुछ करते रहो, एकदम अच्छी तरीके से हो जाएंगे। मेरा भी हो रहा है, कुछ सॉल्यूशन चैप्टर में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, सॉलिड स्टेट में याद रखने में थोड़ा मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, हो जाएंगे शायद, तो देखते हूँ आगे क्या होता है। लेकिन सी एच डी बार बार पढ़ते रहो एंड एक्स्ट्रा कोई शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत नहीं है, यही आपका शॉर्ट नोट्स है केमिस्ट्री के लिए। अब गाइस जो मैं पहले ही बताया कि आप लोगों के एंड में थोड़ा बात बताऊँगा कि शॉर्ट नोट्स बनाना तो ज़रूरी है लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का तो बता दिया, ये एकदम ठीक ठाक ही है। एंड मैं बायो का सोच रहा हूँ आगे से शॉर्ट नोट्स ना बनाऊँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बायो में अगर शॉर्ट नोट्स बनाते जाता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा मुझे टाइम लगता है, बार बार पढ़ने के बाद फिर से लिखना पड़ता है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं कल या परसों दो तीन दिनों से मतलब थोड़ा थोड़ा सोच रहा था कि अगर मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है मुझे मतलब जो पैरा में पढ़ रहा हूँ उस पैरा का जितना कुछ मेन पॉइंट है उस पॉइंट को पढ़ने से मेरा फुल प्यारा याद हो जाएगा, उस पॉइंट को मैं साइड बाई साइड लिख लूँगा या वहाँ पर कुछ स्टिकी नोट
चिपका कर उसमें लिख लूँगा, क्योंकि अगर मैं बार बार एनसीईआरटी रिवाइज करूँ तो एनसीईआरटी की फुल लाइन ही याद रहेगा, एंड अगर शॉर्ट नोट्स करूँ तो शॉर्ट नोट्स का उस पॉइंट याद रहेगा। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सोच रहा हूँ, अभी भी फाइनल नहीं है, लेकिन मैं आगे से एक दो चैप्टर ऐसा करके देखूँ, मतलब मैं तो शॉर्ट नोट्स बना लिया दो तीन चैप्टर का, देन अभी मैं एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ के देखूँ दो तीन बार, देखता हूँ अगर कुछ बेनिफिट होता है मुझे तो मैं ऐसे ही करूँगा, वरना मैं फिर से शॉर्ट नोट बनाने में स्टार्ट मतलब बनाने स्टार्ट कर दूंगा। तो देखता हूँ आगे क्या होता है, मैं तो व्लॉग में बताऊँगा ही आप लोगों का आप लोगों को तो। और गाइस मैं दो दिन से लाइव कर रहा हूँ, लाइव स्टडी कर रहा हूँ, तो आ जाओ ना गाइस एक साथ पढ़ेंगे, बहुत मज़ा होगा साथ में, मतलब बीच बीच में बातें करेंगे एंड अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, आप लोग भी मोटिवेट रहोगे एंड मैं भी मोटिवेट रहूँगा, तो आ जाओ साथ में, आ जाना ये साथ में पढ़ेंगे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, एंड अगर हेल्पफुल हो तो शेयर भी कर देना, एंड चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए ब्लॉग पे, तो बाय बाय गाइस।